अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर सर टिंकू सुल्तान। आज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट लैब है नेट के हवाले से, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। मैं थोड़ा सा आपका पहले इंदिरा नेट के हवाले से एक्सप्लेन कर दूँ। तो जो नेट है, नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज अ टेक्निक डैट अलाउज मल्टीपल डिवाइसेज ऑन ए प्राइवेट नेटवर्क टू शेयर अ सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस। मतलब एक ही आईपी एड्रेस पे हम बहुत सारी जो डिवाइसेज हैं वो हम लोग रन कर सकते हैं नेट पे। दिस इज़ डन बाय ट्रांसलेटिंग द प्राइवेट आईपी एड्रेसेस ऑफ द डिवाइसेस टू ए पब्लिक आईपी एड्रेस बिफोर सेंडिंग डाटा टू द पब्लिक नेटवर्क। अच्छा, ये अब मैं एक लैब बना रहा हूँ नेटवर्क इस पे नेट पे, तो मज़ीद आपको ना अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा इस पे। तो इसमें सिंपल है, हमने राउटर ले लिया 2.6.2.1 का, और एक राउटर हमने दो राउटर ले लिए 2.6.2.1 के दो राउटर, और दो हमने स्विच ले लिए 2.9.5.0 के। और इसमें हमने ना एक सर्वर ऐड करना है, ये हमने सर्वर लगा दिया। सर्वर में मैंने आपको बताया था कि सारा डाटा होता है जो भी हमारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पीसी अटैच कर दिया, और इसमें आप कोई भी जो केबल है किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। मतलब 0/0 जो है वो हमने स्विच के साथ और फिर पीसी के साथ अटैच कर दी, और जो राउटर है हमने उसकी सीरियल जो है वो दूसरे राउटर के साथ अटैच कर दी। अच्छा, इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने राउटर अटैच किया तो वो राउटर ना हमारा अटैच नहीं हो रहा, मतलब दो सीरियल केबल नहीं अटैच हो रही। जैसे मैंने ये एक राउटर लिया है 2.6.2.1 का, और 2.6.2.1 का दूसरा राउटर मैंने लिया, अब मैंने इसके साथ सीरियल अटैच करनी है, लेकिन मुझे राउटर में ना पहले पोर्ट एक ऐड करनी पड़ेगी। आपने आना है यहाँ पर, ये मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ इसको, WIC2T पे आपने आना है स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपने राउटर को क्या करना है, ऑफ़ करना है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ से ना एक मॉड्यूल इसके अंदर फिक्स कर देना है, फिर आपने इसको ऑफ़ कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरे राउटर में जाना है, ठीक है। अब मुझे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर हमें वो सीरियल पोर्ट नहीं मिल रही, तो सीरियल पोर्ट इसलिए नहीं मिल रही कि वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब मैं ये जूम इन किया, मैं WIC-2T पे गया और इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, ये ग्रीन लाइट देखिए ऑन है, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से मॉड्यूल लिया और यहाँ पे फिक्स कर दिया, उसको ऑन कर दिया, और फिर जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है आप इस पर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा स्टूडेंट, अब ये है कि हमने जो आईपी एड्रेस है ना इसको लेबल करना है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपके ना वो नहीं आ रहे, मतलब आपकी वो शो नहीं हो रही, तो आपने फिर यहाँ पर आपको शो आर डिवाइसेस में आ जाना, तो आपकी जो डिवाइसेस हैं वो शो कर जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जैसे 0/0 नहीं आ रहा आपके पास, तो फिर आपने उधर ऑप्शन में जाना है, तो वो ऑप्शन आपकी काम कर देगी। थोड़ा सा मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये अगर आपकी आज जैसे आप देखें ये शो नहीं कर रहा है इसके ऊपर, मतलब 0/0 था और इसका जीरो सीरियल 0/0 है और इसका भी सीरियल 0/0 है, वो शो नहीं कर रहे। तो आपने इसमें जाना है प्रेफरेंसेस में, उसके बाद ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स में चले जाना, इस पर आपने ओके कर देना है, तो फिर आपकी पोर्ट नंबर जो होगी ना वो शो होनी चाहिए लग जाएगी। जैसे ये सीरियल 0/0 और सीरियल 0/0 देखें शो हो रही है, उसके बाद ये भी आपकी FA 0/0 शो हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमने अब इसको लेबल करना है आईपी एड्रेस। तो जो सर्वर है ना इसको हम लोग कर रहे हैं प्राइवेट आईपी, तो सर्वर का जो प्राइवेट आईपी है वो 192.168.0.1 है, 0.2 है सॉरी, और इसका जो पब्लिक आईपी है वो हमारा आ जाएगा 10.0.0.2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पब्लिक आईपी आ गया जो हमारे यूज़ में, और जो प्राइवेट आईपी है वो सर्वर का आईपी आ गया। उसके बाद हमने पीसी में चले जाना है स्टूडेंट्स, तो हमने पीसी का जो है वो आईपी उसका लेबल करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने ना जो राउटर है उसका 192.168.0.1 उसका आईपी लेबल कर दिया, और दूसरे राउटर का हमने आईपी लेबल कर दिया 172.0.1, और पीसी का जो आईपी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 172.168.0.2 है और 255.255.0.0 है, ठीक है स्टूडेंट। ये उसका सबनेट मास्क आ गया, उसके बाद 10.0.0.2 जो है वो दूसरा पीसी का आईपी आ गया, ठीक है हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पर नेट का प्रोटोकॉल है वो कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन उससे पहले हमने जो है अपने पीसी में जाना है,
जहाँ स्टूडेंट ये कंप्यूटर में चले गए, ठीक है, उसका वहाँ आपने आईपी दिया 172.168.0.2.255.0.0.0 और 10.0.0.2 जो है वो इसका डिफॉल्ट गेटवे हो गया। उसके बाद हम सर्वर में जा रहे हैं और सर्वर का आईपी आ गया 192.168.0.2 और 255.0.255.255.255.0 और 10.0.0.2 ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। मैंने आपको बताया था जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है ना, ये बेसिकली ना राउटर का आईपी कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर वो इशू आए तो वो बार बार आप लैब जो है ना वो रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद हमने ना यहाँ पर एक वर्ड लेबल किया लूप बैक का, और उसका जो लूप बैक ज़ीरो हमने करना है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। 10.0.0.1 हमने इसको लेबल कर दिया, लूप बैक इज इक्वल टू 0.0.0.0। उसके बाद हमने राउटर का आईपी दिया 12.0.0.1 और दूसरी तरफ हमने दिया 12.0.0.2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे पहले राउटर में और इसमें जाएंगे CLI में, कमांड लाइन इंटरफेस में। अब फर्ज करें स्टूडेंट राउटर जो है वो उसकी जो कोडिंग है वो आपको बड़ी छोटी दिखाई देगी, तो फिर यही है कि हम यहाँ पर आएंगे ऊपर ऑप्शंस में, ये ऑप्शंस में आएंगे, प्रेफरेंसेस में आएंगे और यहाँ पर हमने आकर फॉन्ट में आएंगे और यहाँ पर फॉन्ट का साइज हमने कर दिया 14 कर दिया, ये मैं इसको 14 कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आप अप्लाई कर दें तो फिर आपका फॉन्ट का जो साइज है ना वो बड़ा क्लियर हो जाएगा, ये अगर आपका फोन का इस तरीके से साइज आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ले भाई। अच्छा अब स्टूडेंट हम राउटर में गए हैं, राउटर में ना जब हम फर्स्ट टाइम राउटर में ये करते हैं तो हमने क्या लिखना है, नो लिखना है। उसके बाद हमने अनेबल किया और फिर उसके बाद हमने किया कॉन्फ़िग टर्मिनल और राउटर का हमने होस्ट हमने कर दिया R1, राउटर का नाम R1 हो गया। उसके बाद हम इंटरफेस FS0/0 में जाएंगे, आईपी एड्रेस हमने दिया 192.168.10.0.1 और 255.255.255.0, नो शट हमने किया, ये हमारा लिंक अप हो गया राउटर का, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने जाना है इंटरफेस लूप बैक 0, तो ये आप एंटर प्रेस करेंगे इंटरफेस लूप बैक 0, फिर आप आईपी एड्रेस दें 10.0.0.1 और 255.0.0.0। नेक्स्ट आप इंटरफेस सीरियल में जाएं। अच्छा स्टूडेंट, ये हमने देखें ऊपर जो है ना इंटरफेस लूप बैक 0 हमने पहले किया, फिर हमने आईपी एड्रेस दिया 10.0.0.1 और 255.0.0.0। उसके बाद हम सीरियल में गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सीरियल का आईपी हमने दिया 12.0.0.1 और 255.0.0 और क्लॉक रेट हमने दे दिया स्टूडेंट 64,000, ये हमने क्लॉक रेट दे दिया। पहले राउटर को हमें क्लॉक रेट देना पड़ता है, फिर हमने किया स्टूडेंट्स नो शट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये अब हमने पहला राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना स्टूडेंट्स हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद अभी हम पहले ही राउटर में हैं तो हमने राउटर रिप किया, ठीक है राउटर रिप में चले गए। उसके बाद 10.0.0.0 एंटर प्रेस करें आप और 12.0.0.0। अब हमने ऐड करना है इन सबको ना, इनको हम सबको ऐड करना है। सबसे पहले हमने लिखना है नेटवर्क का वर्ड हमने नहीं लिखा था, इसलिए देखिए यहाँ पे उसने एरर दे दिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने राउटर रिप लिखना है, फिर आपने नेटवर्क लिखना है 10.0.0.0, फिर आपने एंटर प्रेस करना है, फिर आपने नेटवर्क लिखना है, नेट लिख लें या नेटवर्क लिख लें एक ही बात है, 10.0.0.0 कर दिया हमने, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चले जाते हैं दूसरे राउटर में, अब दूसरे राउटर में हमने वही है अनेबल लिखा, फिर हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में चले गए और हमने उसके बाद ये राउटर 2R2 लिख दिया इसको, फिर हम इंटरफेस FS0/0 में चले गए, आईपी एड्रेस हमने दिया 172.168.0.1 और 255.255.255.255.0.0, ये हमने नो शट किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम अब सीरियल में चले गए जैसे हमने पहले किया था, सेम टू सेम आईपी एड्रेस हमने दिया, इंटरफेस सीरियल 0/0 में चले गए, आईपी एड्रेस 12.0.0.2 और 255.0.0.0, फिर हमने इसको भी हमने क्या किया स्टूडेंट्स नो शट कर दिया। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स राउटर रिप में गए हम, राउटर रिप, और यहाँ पर हमने ऐड करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम देखते हैं आप नेटवर्क 12.0.0.0, फिर नेटवर्क 172.168.0.0, नेटवर्क का वर्ड लाजमी लिखना है, नहीं लिखेंगे तो वो उसको ऐड नहीं करेगा, ओके हो गया स्टूडेंट्स।
अब बात यह है कि हमने ना एक ही आईपी जो है उसके थ्रू हमने कम्युनिकेट करना है। नेट में बेसिकली यही होता है, पहले राउटर में हम चले गए और अब हमने यहाँ पर अब हमने कमांड देनी है आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 192.168.0.2 और 255.10.0.0.2, सॉरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनसाइड हो गया, यानी वो इनसाइड का मतलब यहाँ पर ये हो गया 10.0.0.2, यानी हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये एक्सेस होगी हमारी। फिर हमने स्टूडेंट आईपी नेट इनसाइड, ये हम पहले सीरियल में गए, इंटरफेस सीरियल 0.0 में गए, फिर हमने नेक्स्ट किया नेट आउटसाइड, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और फिर हम गए इंटरफेस एफएस 0.0 में और आईपी नेट इनसाइड हमने लिखा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर हमने कंट्रोल जी किया या एंड किया, एंड करके भी बाहर आ सकते हैं, कंट्रोल जी करके भी आप लोग बाहर आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया स्टूडेंट्स शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, ठीक है, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। जैसे हमने शो आईपी नेट ट्रांसलेशन किया स्टूडेंट्स, तो ये 10.0.0.2 आ गया और ये इनसाइड ग्लोबल आ गया, और 192.168.0.2 ये इनसाइड लोकल आ गया। ठीक है, तो ग्लोबल जो आईपी यूज़ करेंगे वो ये है और इनसाइड जो यूज़ करेंगे वो ये आ गया आईपी। अब ये इसके बाद मैं आपको ना चेक भी करके दिखाता हूँ, पिंग भी करके दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट आप लैब करेंगे ना इजीली आपसे ये कन्फिगर हो जाएगी, लैब कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपने बस ये है कि वीडियो बार बार रन करके आपने इसको कन्फिगर करना है। आईपी एड्रेस जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपका स्टार्ट है, आप यही आईपी रन करें इसको। तो ये फिलहाल हम पीसी में गए हैं, पीसी से अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे जिस जहाँ से हमें पिंग करना है 10.0.0.2 को। तो ये देखें ये हमारा ना पिंग होगा, आई थिंक पहला पैकेट मिस हो, उसके बाद फिर बाकी के सारे पैकेट इसके कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये पहला पैकेट जस्ट मिस्ड हुआ है फर्स्ट टाइम। तो ये हमारा ना इन साइड जो ये जो हमारा पब्लिक आईपी है वो काम कर रहा है, और प्राइवेट आईपी जो है वो ये शो नहीं करेगा। तो प्राइवेट आईपी ये शो नहीं करेगा, पब्लिक आईपी हमारा काम करेगा। अभी मैं प्राइवेट आईपी दे रहा हूँ 192.168.0.2, और ये देखिए डेस्टिनेशन होस्ट और नीचे पर, मतलब जो पब्लिक आईपी है जो हमारे यूज़ में वो काम करेगा और जो प्राइवेट है वो नहीं करेगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमने अपनी लैब जो है अलहमदिल्ला कम्प्लीट कर ली है, नेट की लैब, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब आप इसको कन्फिगर करके तो जो ई मेल आई डी उस पर आप अपलोड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।